बच्चे अब हम लेते हैं दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। तो बच्चे देखो ना, इसका होता है माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस सॉरी माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड किया है वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसी साइन इनवर्स का ओपोजिट साइन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो बच्चे ना मुझे लगता है कि यह आप लोग कर सकते हो, चलो इसको भी हम लोग करते हैं। देखो बच्चे यहां पे हम क्या मान लेंगे कि लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो यहां से हम अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब हम इसका दोनों तरफ क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट इट्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या किए डिफरेंशिएट किए। तो देखो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। देखो बच्चे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा माइनस साइन वाई। और ना देखो ना, चूंकि यह वाई का फंक्शन है, आप एक्स के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इस तो जब इस वाई का होगा डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। देखो और यहां से हम अगर डीवाई अपॉन डी एक्स फाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इस माइनस साइन वाई का वाई में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन माइनस साइन वाई ओ आर आ, हम इस माइनस को नेक्स्ट लाइन में ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन वाई, ठीक है ना बच्चे। और देखो तो जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस के फॉर्म में क्या होती है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि रूट के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से आपका ये हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है ना। और देखो यहां से ये जो डी, देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ पे देखो जो वाई था ना, वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, तो कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर माइनस वन अपॉन देखो अंडर रूट वन माइनस, देखो बच्चे जो कॉस वाई था, कॉस वाई की वैल्यू एक्स माने हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही तुम्हारा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला, यानी कि माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह बिल्कुल साइन के ही है जैसे। अब हम टेन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है।